हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब बेहद ही अच्छे होंगे। सो फैमिली, आरू अभी कर रही है मस्ती और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा चल रही है, मम्मी और आरू के पापा पूजा कर रहे हैं। चलो आरू, चलो 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 मोबाइल लेके चलो 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 चलो। ये मिनी ब्लॉग में मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया था धनतेरस का, लेकिन लॉन्ग वीडियो है। यहाँ मम्मी जला रही हैं दीपक, और धनतेरस के दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। इससे ज़्यादा भी आप जला सकते हैं, लेकिन 13 से कम दिए नहीं जलाए जाते हैं। और यहाँ कुछ स्टील के बर्तन लेके आए थे आरू के पापा, कुछ प्लेट, कटोरी, थाली, इसी टाइप के कुछ बर्तन लेके आए थे, जो कि यहीं मम्मी के पास रख दिए थे। तो सबको अंदर ले जाके वहीं पूजा पाठ कर देंगे, शुभ तिलक वगैरह लगा देते हैं, तो वही करेंगे। यहाँ मम्मी जला रही दीपक, तो एक काम आज मम्मी कर रही हैं, क्योंकि घर में जब बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो ऐसे काम बड़े बुज़ुर्गों से ही अच्छे लगते हैं। और मैं सारी प्रिपरेशन कर दी थी, तो मम्मी जी यहाँ कर रही हैं, दीपक जला रही हैं और आरू के पापा करेंगे पूजा। तो यहाँ मम्मी जी बहुत ही अच्छे तरीके से दीपक जला रही हैं और हम लोगों को बता रही हैं, जो कि पहली बार है जो ये दिवाली और धनतेरस हम अपने सासू माँ के साथ सेलिब्रेट करेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इस साल का त्यौहार में मज़े ही कुछ और है। और यहाँ आरू की चल रही है मस्ती, आरू बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, बहुत इंजॉय करती है, और त्यौहार का टाइम है तो मस्ती और इंजॉय करना छोटे बच्चों का तो बनता ही है। तो यहाँ हो गए दीपक, अच्छे से प्रज्वलित हो गए हैं। तो यहाँ मम्मी जी भगवान के पास सबसे पहले दीपक रखने जाएंगी, इसके बाद फिर हर जगह आरू के पापा रख देंगे। तो आरू कर रही है नकल दादी का, क्योंकि दादी सीधा नहीं चल पाती हैं, उनके बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तकलीफ़ है बैक पेन में, तो सीधा न चल पाने के कारण आरू भी उनके साथ करती रहती है मस्ती। और यहाँ चल रही है पूजा, तो यहाँ होगी पूजा, और मैं आज इंक्लूड नहीं हूँ, बट दिवाली के दिन मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलूंगी पूजा पाठ के साथ। तो यहाँ अपने बड़े बुजुर्गों से ही पूजा करवा रहे हैं, मतलब मम्मी भी हैं साथ में और आरू के पापा भी, दोनों लोग मिलके कर लेंगे। और इसी तरीके से हर जगह दीपक लगा दिए जाएंगे। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, बहुत प्यारा लग रहा है। और हर जगह दीपक रख दो तो जब घर में रौनक आती है तो उसका मज़ा कुछ और होता है। दीपावली धनतेरस से त्यौहार शुरू हो जाता है और पूरा ये त्यौहार एकादशी तक चलता रहता है कंटिन्यू, बहुत ही अच्छा लगता है। लगाए गए हैं, लेकिन दीपावली आने तक बहुत ही अच्छी तरीके से सज धज के रेडी हो जाएगी। तो फैमिली, इसी तरीके से आज का वीडियो रहा, कैसा लगा आप लोगों को? यहाँ मैं तुलसी माता को प्रसाद चढ़ा दी हूँ, दीपक भी रख दी हूँ। तो आज इसी तरीके से हमारा ब्लॉग रहा, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्द मिलेंगे दीपावली ब्लॉग के साथ।